गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2021-22 के सत्र के लिए 12वीं कक्षा का इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस क्या है। इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, कौन कौन सी बुक्स इसमें लगाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले टाइम 3 घंटे 15 मिनट, मार्क्स वार्षिक एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का, सेशनल मार्क्स जो स्कूल से भेजे जाते हैं वो कितने 20 अंक होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 100 होंगे। फिर लर्निंग ऑफ एरिया ऑफ लर्निंग जो है वो क्या क्या है, रीडिंग 15 नंबर की, रीडिंग यानी जो पैसेज आता है अनसीन पैसेज उसको पढ़ना और उसके क्वेश्चंस के जवाब देना, ये 15 नंबर का होगा। राइटिंग जैसे लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, ये हो जाएगा आपके 15 नंबर के। ग्रामर, ये ग्रामर पार्ट जो है ये इस बार 6 साल बाद फिर से जोड़ा गया है, 2014 का जो सेशन था उसके अंदर ग्रामर थी, इस बार ग्रामर को फिर से जोड़ा गया है और ग्रामर पार्ट कितना 8 अंकों का है, बहुत ही अच्छा पार्ट है, ये अच्छा काम किया है ये शिक्षा विभाग ने, गवर्नमेंट ने, कि ग्रामर को इसमें जोड़ दिया गया है, पहले 12th में से ग्रामर बिल्कुल हटा दी गई थी। टेक्स्ट बुक कौन कौन सी है, एक तो है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्तास। फ्लेमिंगो और विस्तास ये दो हमारी बुक है, फ्लेमिंगो में से 28 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और विस्तास में से आएंगे 14 नंबर के। अब इनमें से प्रत्येक पार्ट में किस प्रकार से क्या क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। तो पेपर के अंदर सेक्शन ए में, सेक्शन ए जिसमें रीडिंग है, रीडिंग में पेसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, दो अनसीन पेसेज होंगे लगभग 700 से 900 शब्दों के, क्या क्या होगा। फैक्ट, अब द पेसेज विल इंक्लूड टू ऑफ द फॉलोइंग, फैक्चुअल पेसेज होगा और डिस्कर्सिव पेसेज होगा और लिटरेरी पेसेज होगा, इनमें से किन्हीं भी दो विषयों पर दो पेसेस आ जाएंगे। अब देखिए अनसीन पेसेस में क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट लोकल ग्लोबल एंड इन्फ्रेंटल, ग्लोबल एंड इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, ये आपके होंगे पेसेस आएगा 400 से 500 शब्दों में और 6 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। और इसी पेसेज के अंदर पहले पेसेज में वोकैबुलरी से संबंधित यानी एंटोनिम सिनोनिम या वन वर्ड या फिर न्यू फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स ये आपको पूछा जाएगा 3 नंबर के होंगे, 3 जो है वो वोकैबुलरी से संबंधित अंक होंगे। फिर सेकंड जो पेसेज होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके ऑप्शन होंगे, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है पैराग्राफ को, पेसेज को पढ़ करके, ये 6 नंबर का होगा। तो एक पेसेज 9 नंबर का हो गया और दूसरा 6 नंबर का, तो टोटल पेसेज कितने 15 नंबर के हो गए। फिर इसके बाद चलते हैं हम राइटिंग में, राइटिंग में क्या है देखिए, राइटिंग में हमारे पास 1 out of 2 शॉर्ट कंपोजिशंस, 2 शॉर्ट कंपोजिशन आएगी, उनमें से एक का जवाब हमें देना है, 4 नंबर का होगा। इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, अब शॉर्ट कंपोजिशन में क्या क्या होगा, एक तो एडवर्टाइजमेंट होगा, एक नोटिस है और एक आर्ग्यूमेंट्स है और एक है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लिनिंग इन्विटेशंस, इन्विटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करना, यानी 4 टॉपिक हैं हमारे पास, उनमें से पेपर में 2 आएंगे और फिर करना 1 है, 4 अंक का ये हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद राइटिंग सेशन में क्या है, ए रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, यानी एक रिपोर्ट होगी किसी भी घटना पर, कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई भी टॉपिक दे दिया हमें, जैसे बस एक्सीडेंट दे दिया, कार एक्सीडेंट दे दिया या ड्राउनिंग एक्सीडेंट दे दिया या कोई अन्य कोई भी टॉपिक दे दिया, उससे संबंधित क्या करना, बैंक रोबरी हो गया, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है 5 नंबर की। फिर उसके बाद इसमें आएगा लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग जो है वो 6 अंक का होगा और लेटर जो है वो बिजनेस या ऑफिशियल हो सकते हैं, लेटर टू द एडिटर, एडिटर को पत्र लिखना, किसी अखबार का जो संपादक है उसको पत्र लिखना या फिर जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी आएगी। उसके बाद हम चलते हैं ग्रामर के अंदर, ग्रामर में देखिए क्लोजेज हैं, अब क्लोज में कौन कौन से, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोजेज, ये क्लोज हैं और दूसरा 2 नंबर के हैं ये। दूसरा टॉपिक है सिंथेसिस,
सिंथेसिस मतलब सेंटेंसेस को जोड़ना, ये भी दो नंबर का। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी, ब्रेक से बनने वाली, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न, इनसे बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो पूछी जाएगी। और चार नंबर पे प्रेपोजिशन ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड, प्रेपोजिशंस आएंगी किससे संबंधित, मोशन से, टाइम से, स्पेस से या फिर मेंटल एटीट्यूड से रिलेटेड जो प्रेपोजिशन है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो नंबर के। आगे सेक्शन सी में देखिए, इसमें आ जाती है हमारे पास टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कौन कौन सी है, दो टेक्स्ट बुक है, एक तो है हमारी फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास। फ्लेमिंगो में से वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स। अब इसमें से 4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी, पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं, 4 के आंसर्स जो है जैसे लोकल या ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग से संबंधित आ जाएंगे, और फिर 2 क्वेश्चन जो है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, एंटोनिम, सिनोनिम या वन वर्ड। उसके बाद में आगे देखिए, इसमें 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप, यानी एक बड़ा प्रश्न आएगा जो 80 शब्दों में जिसका जवाब देना है, ये 4 नंबर का होगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, शॉर्ट में आपको जवाब देना है कितने, 20 से 25 शब्दों में, ऐसे 2 प्रश्न होंगे फ्लेमिंगो से, 2-2 नंबर के, 4 नंबर के हो गए। फिर फ्लेमिंगो की जो पोइट्री है, पोएम्स है, पोएम्स कितने नंबर की है, 14 नंबर की है। 1 out of 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स, यानी पोएम जो दे रखी है उस पोएम का रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, ये 6 नंबर का आएगा। और फिर 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पोएम में से पोएट्री जो पार्ट है उसी में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का, जवाब इसका 80 शब्दों में देना है। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 से 25 शब्दों में जवाब देना है, ये भी कितने, 4 नंबर के, 2-2 नंबर के होंगे। फिर दूसरी बुक विस्टास में चलिए, यानी फर्स्ट बुक में से पेसेस हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया और पोएट्री हो गया। अब विस्टास में से क्या पूछा जाएगा ये देखिए, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 बड़े प्रश्न दिए होंगे उनमें से एक करना है 4 नंबर का, कितने, 4 नंबर का, 80 शब्दों में जवाब देना है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 20 से 25 शब्दों में इनका जवाब देना है, 2-2 नंबर के होंगे। और 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन होंगे, उनके नीचे ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उनमें से आपको चूज करना है सही आंसर कौन सा है, ये 6 नंबर के होंगे 6 प्रश्न। और 2 बुक है आपकी फ्लेमिंगो और